नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमीरन कुमार बनकुड़ा। मेरा YouTube चैनल कंस्ट्रक्शन लर्नर्स पर आपका स्वागत है। मैं आज अपना पहला वीडियो डालने जा रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। मैं अपना वीडियो के माध्यम से आपको कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, क्या क्या सुपरवाइज करना पड़ता है, क्या कैसे इंस्पेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि न्यू कमर्स सुपरवाइज़र एंड इंजीनियर्स बहुत फैसिलिटेड होंगे एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी फैसिलिटेड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। आज मैं आया हूँ एक फ्लाई ऐश साइलो डेक स्लैब कास्टिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं फ्लाई ऐश साइलो डेक स्लैब कास्टिंग में क्या क्या इंस्पेक्ट करना पड़ता है और कैसे कैसे सुपरविजन करना पड़ता है। मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा कि कौन सा IS कोड फॉलो करना है वो भी बताऊँगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फ्लाई ऐश साइलो होता क्या है। एक्चुअली साइलो मीन्स स्टोरेज टैंक्स, और फ्लाई ऐश साइलो मीन्स जिसमें हमारा फ्लाई ऐश जमा रहेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे एक फ्लाई ऐश साइलो बन चुका है हमारा। ये है फ्लाई ऐश साइलो, ये कॉन्क्रीट स्टोरेज टैंक्स रहेगा। इसमें हमारा फ्लाई ऐश मीन्स राख, कोयले का जो राख रहेगा, पावर प्लांट में जो कोल बर्निंग होता है, कोल बर्निंग का कोल का जो ऐश होता है वो ऐश यहाँ पर जमा रहेगा। देन यहाँ से बाई ट्रक बाई एनी मेथड ये हमारा सीमेंट प्लांट में भेजा जाएगा, और वहाँ पे हमारा आप लोग सब जानते ही है पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट में और फ्लाई ऐश ब्रिक्स वगैरह में बहुत सारा जगह में फ्लाई ऐश का यूज़ होता है। दोस्तों आज हमारा ये वाला जो आप देख रहे हैं प्लेसर बूम लगी हुई है, ये कॉन्क्रीटिंग हमारा चल रहा है, बोरिंग चल रहा है, 380 क्यूबिक मीटर का बोरिंग है। दोस्तों ये है प्लेसर बूम, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स होता है, जिससे कि आप देख सकते हैं एक ही पोजीशन में हम कंक्रीट ट्रांजिट मिक्सर खड़े करके उससे कंक्रीटिंग अनलोड कर रहे हैं, और बाई पंप के थ्रू हम इस प्लेसर बूम के थ्रू इसको ऊपर पहुंचा रहे हैं। ये इसका बूम आप देख सकते हैं, कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इसीलिए इसको प्लेसर बूम कहा जाता है। और ये बहुत फास्ट एंड आसान तरीके से इससे कंक्रीट हो सकता है। इसके लिए इसका यूज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत वाइडली किया जाता है एंड बहुत हेल्पफुल इक्विपमेंट माना जाता है। तो आप देख सकते हैं ये स्लैब कितना हैवी और कितना मस है, जिसके लिए इसका स्कैफोल्डिंग भी काफ़ी हैवी की हुई है ताकि इसका लोड अच्छे ढंग से ले सके। इसमें 380 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, तो अप्रॉक्सीमेटली 950 मेट्रिक टन तो कंक्रीट का डेड लोड हो जाएगा, एंड 150 मेट्रिक टन के आसपास इसमें रेनफोर्समेंट स्टील का लोड है, एंड अदर सपोर्टिंग मटेरियल्स एंड लाइव लोड लेके अप्रॉक्सीमेटली और 50-70 टन के आसपास लोड होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसमें मान सकते हैं 950 + 150 = 1200 मेट्रिक टन के आसपास इसमें लोड रहेगा। तो इसके लोड अच्छे ढंग से ले सकें, तो इसके लिए इतना हैवी स्कैफोल्डिंग की हुई है। दोस्तों अब हम आ गए डेक स्लैब के स्कैफोल्डिंग वाले एरिया में। अब देख सकते हैं काफ़ी हैवी तरीके से स्कैफोल्डिंग की हुई है, पेजिंग की हुई है, ताकि इसका लोड ले सके। जैसे कि मैं आपको बताया था, इसमें 1200 टन के आसपास लोड रहेगा। तो इसमें स्कैफोल्डिंग पाइप जो यूज़ किया गया है वो ज़्यादातर सी क्लास के और कुछ बी क्लास के भी है। स्कैफोल्डिंग पाइप बेसिकली तीन कैटेगरी के होते हैं, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। ए क्लास का मतलब होता है लाइट वेट, बी क्लास का मतलब होता है मीडियम क्लास, और सी क्लास का मतलब होता है हैवी ड्यूटी। ये स्कैफोल्डिंग पाइप्स और ट्यूब्स के बारे में आप IS कोड 1239 इसमें आप डिटेल में जान सकते हैं। और इसमें पाइप क्लैम्प्स जो यूज़ किया गया है, ज़्यादातर डबल क्लैम्प्स और सिंगल क्लैम्प्स भी यूज़ किया गया है। तो बोलते हैं सिंगल क्लैम्प्स और इसको बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं ऊपर डेक पे। ये देखिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए डेक स्लैब के ऊपर जहाँ पे कंक्रीट पोरिंग चल रहा है। अब देख सकते हैं कि डेक स्लैब काफ़ी हैवी तरीके से रेनफोर्स्ड की हुई है। एक्चुअली इसी के ऊपर पूरा फ्लाई ऐश साइलो का टोटल लोड रहेगा, उसके स्टोरेज मटेरियल्स के भी। अब देख सकते हैं फ्लाई ऐश साइलो का जो सर्कुलर शेप में सेल बनेगा, उस सेल का सर्कुलर तरीके से ऐसे टेम्पलेट बना के उसका डावल्स बार, उसका वर्टिकल बार जो है छोड़ा हुआ है, इसके ये डेक स्लैब के कंक्रीट के साथ एम्बेडेड रहेंगे। ये रेनफोर्समेंट हमको अकॉर्डिंग डिज़ाइन एंड ड्राइंग के हिसाब से हमको अकॉर्डिंगली इसको बांधना पड़ता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लेयर बाय लेयर बहुत सारा लेयर में एंड बहुत सारा टाइप में कुछ सर्कुलर बार्स है, कुछ स्ट्रेट बार्स है, कुछ बीम्स का बार्स है, ऐसे कुछ डावल्स बार्स है,
ऐसे बहुत तरह से हमको बांधना पड़ता है अकॉर्डिंगली ड्राइंग। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा छोटा छोटा ओपनिंग्स छोड़ा हुआ है। ये एक्चुअली ओपनिंग्स, इसमें कुछ इक्विपमेंट्स बैठेगा जिसके थ्रू हमारा प्लाईएस साइलो में इनलेट एंड आउटलेट दोनों रहेगा। और उस ओपनिंग और इक्विपमेंट के लिए उसके बगल में देखिए छोटा छोटा इंसर्ट प्लेट्स एम्बेडेड आइटम छोड़ा हुआ है। और उस ओपनिंग के साइड साइड में भी आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा बहुत सारा सीआर रेनफोर्समेंट छोड़ा हुआ है, कुछ स्लीव्स भी छोड़ा हुआ है जिसके केबल एंट्री हो सके इक्विपमेंट का। अंदर ही अंदर बहुत सारा टाई रॉड भी छोड़ा हुआ है। दोस्तों ये सारे रेनफोर्समेंट ओपनिंग्स, इसका डावेल्स, इसका एम्बेडेड आइटम्स, इसका स्लीव्स, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट एंड इसका कवर्स, इसका लोकेशन, इसका पोजीशन, लेवल, हाइट एंड रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग, ये सारे एवरीथिंग हमको इंस्पेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग। इसको चेक करना होता है इसका एंड एवरीथिंग इसका अंडर टॉलरेंस लिमिट के अंदर होने पर ही इसको हम लोग फोर क्लियरेंस ले सकते हैं एंड उसके बाद बोरिंग हम चालू कर सकते हैं। चलिए आइए आप लोगों को ले चलते हैं टेक के ऊपर सीधा, जिससे कि आप क्लियरली और आसान से देख सकते हैं। दोस्तों अभी इसका लेयर बाय लेयर रेनफोर्समेंट, टाई रॉड्स एंड इधर सेल के नीचे सर्कुलर बीम, ये रेक्टेंगुलर बीम, ये सारे रेनफोर्समेंट आपको आसानी से दिख रहा होगा। ये आप देख सकते हैं ओपनिंग पोर्शन जो है, ओपनिंग पोर्शन के साइड में एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट छोड़ा हुआ है, ये सीआर रेनफोर्समेंट बोला जाता है इसको। और ये देखिए ओपनिंग के साइड में जो ओपनिंग्स है उसका हम लोग शटरिंग किए हैं प्लाईवुड से एंड उसके साइड में एम्बेडेड आइटम्स जैसे चार स्टील MS स्टील इंसर्ट प्लेट छोड़ा हुआ है एंड ये देखिए पाइप स्लिप्स भी छोड़ा हुआ है, ये स्लिप्स केबल एंट्री के लिए होता है। और ये देखिए हर एक जॉइंट्स पे टाई रॉड छोड़ा हुआ है, ये टाई रॉड्स बॉटम रेनफोर्समेंट मेस एंड टॉप रेनफोर्समेंट मेस को ज्वाइन करता है। दोस्तों ये है हमारा फ्लाईएस साइलो का डेक स्लैब और इसमें हमने दोनों तरफ से दो प्लेसर बूम लगा के कॉन्क्रीटिंग कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। और कोई भी स्लैब कॉन्क्रीटिंग के दौरान ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस स्लैब का बीम्स पोर्शन को, जो साइड साइड में बीम्स पोर्शन होता है और सेंट्रल बीम्स पोर्शन होता है, वो बीम्स पोर्शन को सबसे पहले भरा जाए। और बीम्स पोर्शन को वो भी एक तरीके से लेयर बाई लेयर एवरी 300 mm लेयर्स में भरना चाहिए ताकि उसमें जो नोजल वाइब्रेटर के थ्रू हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं वो बराबर हो और ग्रीन कॉन्क्रीट का जो लोडिंग है वो लोडिंग भी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। क्योंकि एक साइड से आप अगर भरते हुए आएंगे तो ग्रीन कॉन्क्रीट का जो लोड है वो नीचे का स्ट्रेजिंग को हमारा डिस्टर्ब कर सकता है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों कैसे बीम्स पोर्शन को पहले भरा जा रहा है और वो भी लेयर बाय लेयर भरा जा रहा है। ये एक साइड से हमने चालू किया था, अभी धीरे धीरे एक लेयर यहाँ तक पहुँचा है, दूसरी साइड से दूसरा बूम प्लेसर भी। दोस्तों वैसे तो कॉन्क्रीट कई तरीक़ों से किया जा सकता है, बाई कॉन्क्रीट पंप आप कर सकते हैं, बाई मैनुअल मेथड आप कर सकते हैं, बट ये थ्रू प्लेसर बूम हमारा काफ़ी फास्ट काम होता है, जो कि बूम उसी पोजीशन में प्लेस हो जाता है और जहाँ चाहे वहाँ कॉन्क्रीट डाल सकते हैं और ये बहुत फास्ट और आसान तरीका होता है। दोस्तों आप यहाँ देखिए जो दो बूम प्लेसर से कॉन्क्रीटिंग चल रहा है, जो कॉन्क्रीट बोरिंग हो रहा है, वो कॉन्क्रीट बोरिंग एक तरीके से हो रहा है, बीम्स को तो पहले भर रहे हैं एंड जो कॉन्क्रीट बोरिंग हो रहा है उसका होज का पाइप देखिए डेट से बहुत ही कम गैप में है, क्योंकि आप जानते हैं फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट बोरिंग डज नॉट अलाउ मोर देन अप 1.5 मीटर, बिकॉज उसके कारण हमारा कॉन्क्रीट का सेग्रीगेशन हो सकता है और जिससे कि कॉन्क्रीट हमारा ख़राब हो सकता है एंड कॉम्पैक्शन बराबर नहीं होगा, जिसके कारण हानि कम एंड बहुत सारा दूसरा फॉल्ट भी आ सकता है। ये देखिए दोस्तों अभी हमारा ट्यूब, कॉन्क्रीट ट्यूब भरा जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग जैसे कॉन्क्रीटिंग करते हैं उसके साथ साथ ट्यूब भी भरना होता है ताकि उसके बाद में टेस्टिंग किया जा सकता है। इसमें अभी तक दो सेट ट्यूब, दूसरा सेट चल रहा है, एक सेट भरा जा चुका है, दूसरा सेट ट्यूब भरा जा रहा है। एक सेट ट्यूब में आप 6 ट्यूब होता है, 3 ट्यूब 7 दिन में क्रशिंग किया जाता है और 3 ट्यूब 28 डेज में। नंबर ऑफ ट्यूब सेट्स ये एज पर FQP भरना होता है, फिल्ड क्वालिटी प्लान। इसमें हमारा एवरी 50 mm क्यूब में 1 सेट ट्यूब है, जैसे कि बहुत सारा स्ट्रक्चर में अगर आप ISO के हिसाब से चलेंगे तो फर्स्ट 5 mm क्यूब में 1 सेट, देन नेक्स्ट 50 mm क्यूब में 2 सेट एंड
अप टू 50 MQ में थ्री सेट भरा जाता है, उसके बाद एवरी 50 MQ में सिंगल सिंगल सेट भरा जाता है। मीन्स आप अगर 5 MQ तक कंप्लीट करेंगे तो आपको एक सेट, 15 MQ तक कंप्लीट करेंगे तो, और 5 और 15 के बीच में करेंगे तो सेकंड सेट, एंड मोर देन 15 MQ, बिलो 50 MQ आपको थ्री सेट, एंड आप मोर देन 50 MQ एंड बिलो 100 MQ आपको फोर सेट, देन मोर देन 100 MQ बिलो 150 MQ आपको फोर सेट, ऐसे भरा जाता है। एंड क्यूब के ऊपर नोमन क्लेचर करना पड़ता है, जैसे स्ट्रक्चर का नाम कौन से स्ट्रक्चर में यूज होता है, हो रहा है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड डेट, और कौन सा बैचिंग प्लान से कॉन्क्रीट यूज हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं मोटा मोटी आपको प्लायर साइलो डेक स्लैब बोरिंग और मास स्लैब कॉन्क्रीटिंग के लिए आपको मोटा मोटी बता दिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कंस्ट्रक्शन लर्नर्स। जय हिंद।